कल से यहाँ पर कथा का प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पर ये टेंट लगा हुआ है पूरे तरीके से सजा दिया गया है, पूरी ये देख सकते हो रोड मोड सब डाल दिए गई हैं, विडम्बर हो गया है यहाँ पर। और इधर से एक गेट इधर से है, इधर से गाड़ी वगैरह आएंगी, इधर पार्किंग है इस साइड वो देख सकते हो, इधर पार्किंग है पूरी। और यहाँ पर इस पर महाराज जी बैठेंगे यहाँ पर, वो लाइव चलेगा वो आपको टीवी में देखने के लिए भी मिलेगा। टेंट है जो बाहर से लगाया गया है पूरा, देखो LCD लगाई गई है। लोगों को देखने के लिए यहाँ पर महाराज जी बैठेंगे, अभी आए हुए थे अभी फिर अब चले गए, ये देख सकते हो आप पूरी तरीके से। ये टेंट बहुत बड़ा है, विशाल है, इधर देख सकते हो, ये देखो बहुत बड़ा है। यहाँ पर महाराज जी बैठेंगे, यहाँ से कथा प्रारंभ हुई और आज कलश यात्रा थी वो। यहाँ पर बैठने के लिए बहुत ज़्यादा ही जगह है और यहाँ पर पहले भी हुई थी पर अब की बार यहाँ पर सिस्टम अच्छा कर दिया, इधर औरतें उधर पुरुष बैठेंगे, महिलाएँ पुरुष के लिए अलग अलग जगह कर दी गई है। और ये सब सामान जो आया है ना, जो सब बाहर का आया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, यहाँ अशोक नगर का होगा। और इस साइड जो दुकानें दुकानों के लिए है, ये देखो कि यहाँ पर जो कलश यात्रा हुई थी, अभी ये कलश ही कलश धरे हुए हैं, कुछ उधर रखे हैं कुछ इधर रखे हैं, ये कलश बहुत से कलश हैं। और इधर ये ग्राउंड खाली डरा, इधर ज़्यादातर जनसंख्या ही बहुत आएगी, करीबन 4-5 लाख की जनसंख्या के फिर रोज की जनसंख्या वो करेगी 4-5 लाख और बढ़ती जाएगी रोज, जैसा पता चलेगा लोगों को बाहर से आओ करेंगे दर्शक। ये दुकानें लगी हुई हैं, देखो बागेश्वर धाम की टीस्टें आ चुकी हैं और ये सब बाहर की दुकान है अशोक नगर के, यहाँ पर कोई ऐसा को नहीं है कि अशोक नगर की हो, ये सब बाहर से आई हुई दुकान है। इधर इस साइड भी, इस साइड को भी बताते हैं आपको। और ये देखो झूला लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखो झूला कितना भयंकर दृश्य दिख रहा है आपको बता दें। और ये पूरा ऐसा ही डला था, अभी तो चालू भी होगा, ये राधा टी नाश्ता ये चालू हो गया, पानी दुकान है। और वो तो यही बताने के लिए आपको आए थे हम। और इधर व्यवस्था भी अच्छी की गई है, ये बाथरूम वाथरूम की यहाँ पर इस साइड ये देख सकते हो, तो वहाँ पर रखी हुई हैं। और ये डम्बर अभी हुआ है, मैं कह रहा हूँ आज रात को ही हुआ वो, करीबन करीबन नारकेल खिलाना है। दुकानें दी भी नहीं गई हैं, बहुत कम दुकान दी गई हैं अशोक नगर के लोगों को, क्या पता किस लिए नहीं दी, लेकिन जिस सब बाहर के हैं उनको दी गई हैं दुकानें, क्योंकि बेचारे इतनी मेहनत से यहाँ तक आए, अगर उनको दुकान नहीं मिलती ना तो क्या क्या कह जाते हैं अस्तर वालों की बुराई करते। तो ये रहा मेन गेट, इधर से पैदल लोग आएंगे, जहाँ तक इधर से पैदल ही लोग आएंगे तो उधर से पार्किंग स्टार्ट है। इधर से देख सकते हुए बागेश्वर धाम से यहाँ पर रावत कथा का बैनर लगा हुआ है, ये जज्जी जी का बैनर है, ये देख सकते हैं। हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और ये है तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपको पूरी मंडी कथा भागवत कथा का स्थान दिखा दिया है और आज हमारे तरफ से पूरा ब्लॉग हो चुका है। अब मिलेंगे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।